अपने जीवन में हर कोई सुखी और संपन्न चाहता है। वास्तव में बता दें कि इंदौर गांव में सूर्य भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। वास्तव में यहां पर जानते हैं लोगों से, क्या कहेंगे भैया जी, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो गांव का खुशी की बात है, बढ़िया बात है। आज कुछ निकला गया है, गांव में भ्रमण किया गया, क्या? हाँ, सूर्य भगवान का भ्रमण गाँव में करा करके प्राण प्रतिष्ठान का विधि विधान किया गया। इलाका अभी पूरे भक्तिमय तरीके से होगा, एकदम पूरे भक्ति तरह से पूरे गांव की तरफ से है। क्या कहेंगे, किनके द्वारा किया जा रहा है? पूरा ग्राम वासियों के द्वारा, जहां तक जानकारी मिला कि किन्हीं का शायद सरकारी नौकरी लगा, उसके वजह से इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुमार अनुग्रह प्रसाद सिंह है। किसी में पद स्थापित हुए हैं? आईएएस बने हैं। उसी का गाँव का खुशी का माहौल है। हाँ जी, जो कार्यक्रम हो रहा है इंदौर में, क्या कहेंगे इस पर? बहुत अच्छा हो रहा है, खुशी की बात हो रहा है। और क्या 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 हो रहा है इस कार्यक्रम में? बहुत चीज़ हो रहा है भैया, महापुराण हो रहा है, भागवत, हाँ भगवत कथा हो रहा है, यही सब हो रहा है, अखंड कीर्तन सब चीज़। चर्चा का विषय बना हुआ कि सिक्कू जी कम समय में मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये साहब का आदेश था, इस वजह से उनके सहयोग से जो बोले वो आदेश से हमने सारा कुछ व्यवस्था किया और कम समय में मंदिर का निर्माण करवा के कार्य पूरा किया। नारायण जी द्वारा स्थापित मंदिर सूर्य भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, जिसमें कि 5 तारीख को कलश यात्रा की शुभ तिथि में हिलसा तालाब पर से स्थानांतरित किया था, जहाँ कि सूर्य तालाब पर से इंदौर के लिए प्रस्थान किया गया था और हमारे सूर्य भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ कलश यात्रा हुआ, जिसमें आज से 3 दिन तक, 5 तारीख से लेकर के 3 दिन तक इसमें के भागवत कथा का आयोजन किया गया है और उसके अगले तीन दिन तक अखंड का शुभ आरंभ किया गया है, जिसमें माननीय अनुग्रह नारायण द्वारा और समस्त ग्रामवासियों के द्वारा सहयोग से पूरी आज भ्रमण कुछ किया गया था। आज मूर्ति सूर्य भगवान का प्राण प्रतिष्ठा के लिए रथ यात्रा निकाला गया था, जिसमें ग्रामवासियों ने पूरी सहयोग दी थी, जिसमें पूरे ग्रामवासियों मिल कर करके हाथों पूरे गांव को घुलाया गया, भ्रमण कराया गया, जिसमें माननीय हमारे आचार्य और श्रोतागण और हमारे गांव के सभी वरिष्ठ युवा और बुजुर्ग लोग, महिला सभी लोग सहयोग इसमें सहयोगी दिए हैं, धन्यवाद। और इसके बाद हमारे विष्णु भगवान का जो मंदिर है वो इसी मंदिर में स्थापित होने वाले हैं। हिलसा प्रखंड के इंदौत में सूर्य का प्राण प्रतिष्ठा होना है। शुरुआत हुआ था हिलसा सर के सूर्य मंदिर तालाब से, जहां कलश यात्रा निकला था, उसके बाद बताएंगे क्या क्या हो रहा है। उसके बाद से विधिवत है, जो कि भगवान सूर्य नारायण की प्रतिष्ठा हेतु सेज्याधिवास, पुष्पाधिवास, घृताधिवास, जलाधिवास, ये सब कार्यक्रम करते हुए आज भगवान सूर्य नारायण की संध्या प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद है जो कि इसे पूरे गांव है जो कि भक्तिमय है और हमारे गांव के पी सिन्हा जो अभी पंजाब में हैं, पिताजी जो हैं और माता उनके अखिलेश्वर प्रसाद पिताजी हुए, माँ जो हैं शांति देवी के सहयोग माने उन्हीं की प्रेरणा हुई और भगवान के द्वारा उनके दिल में जिज्ञासा हुआ कि हम भगवान सूर्य नारायण की मंदिर है जो कि बनवावें, और वह जो है अपने बल पर अपने कर कमलों के द्वारा भगवान सूर्य नारायण का है जो कि मंदिर को है जो कि बनवाए हैं, और इसमें सिक्कू कुमार जो हैं यहीं का जो हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, जिन्होंने बहुत कम समय में है जो कि मंदिर का निर्माण करवाने में सहयोग दिए। और इसके बाद अखंड कीर्तन है जो कि चलेगी, कब से कब तक अखंड कीर्तन? कल सोमवार से लेकर के मंगलवार का 24 घंटा का अखंड कीर्तन चलेगा, और उसके बाद भंडारा होगा, आरती वगैरह होगी, भंडारा होगा जिसमें आगंतुक सभी लोग हैं जो कि अपना भोजन करेंगे, प्रसाद पाएंगे, इसके बाद जग का समापन होगा, इन्हीं कार्यक्रमों के साथ जग का समापन होगा। आचार्य हैं महेश कुमार, हाँ आचार्य महेश कुमार पांडे हमारे 5 सहयोगी हैं, नागेंद्र कुमार हिमांशु हैं और हेमंत कुमार हिमांशु हैं और है जो कि जितेंद्र कुमार पांडे, और ये सब मिलकर के सब हैं, हम लोग 5-6 आचार्य हैं, सभी मिलकर के है जो कि इस जग का समापन कर रहे हैं। आज स्वयं आए हुए हैं
ये जो हैं के पी सिन्हा सर, कुमार देवेंद्र कुमार, हाँ अनुग्रह प्रसाद सिन्हा जो हैं अपने कर कमलों के द्वारा भगवान सूर्य नारायण का स्थापना करेंगे, और कल भी पूजा में भाग लिए थे, उनकी माँ पूरे परिवार सब एक साथ होकर के पूजा करेंगे, और भगवान का है जो कि